बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके और हमारे अपने चैनल टेक्नो हेल्प विद शहादत में। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि कैसे किसी भी रेडमी के नए फ़ोन्स में आप ऑटो TTS को लॉक कर सकते हो, यानी किसी भी एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हो। लेकिन ऑटो TTS हमारे ज़्यादा काम आता है लॉक करने के, इसलिए कि वो रिसेंट एप्लीकेशन में मतलब रिसेंट एप्लीकेशन को डिसमिस करने के बाद वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो उसका सलूशन है, पहले तो ऐसा होता था कि ओवरव्यू में आप जाकर किसी एप्लीकेशन पे डबल टैप टू होल्ड करते थे तो वो लॉक का ऑप्शन आ जाता था वहाँ पे। ठीक है, अब नहीं आता, अब ऐप इन्फो खुल जाता है। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग के बाद ऐप्स में जाएंगे। ऐप्स में क्लिक करते हैं, सिस्टम ऐप सेटिंग में क्लिक करते हैं। सिक्योरिटी में क्लिक करते हैं। बूस्ट स्पीड में क्लिक करते हैं। लॉक एप्स 3। ठीक है, यहाँ से आप किसी भी ऐप को लॉक कर सकते हैं। ठीक है, करना कुछ नहीं है, आप इसके अंदर जाइएगा तो सारे ऐप्स आपको दिखाई देंगे, आप जिस पर टिक करेंगे वो लॉक हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्लिक करके दिखाता हूँ मैं। ये ठीक है, ठीक है, ये टिक हो गया। एक और बार क्लिक करेंगे और नॉट टिक हो जाएगा। ठीक है, ये भले इसने टिक बोला हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेश्चंस हैं या आप चाहते हो कि ऐप लॉक द्वारा आप इसको ऑर्डर या किसी भी एप्लीकेशन को लॉक करो इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आराम से आप कमेंट कर सकते हो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, आप लोगों के कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।